दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो एक बार गलती करे वो नादान, जो दो बार गलती करे वो बेईमान, लेकिन जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान। अब शाह महमूद कुरैशी, ये नाम आप सभी ने सुना ही होगा, पाकिस्तान के मंत्री हैं। अभी ये अमेरिका में मौजूद हैं यूएन में इसराइल को घेरने के लिए। अब जाहिर तौर पर बात है, जब जिनके घर में खुद ही खाने को चावल ना हो, वो दूसरों के घर में जाकर दूसरों के लिए कैसे पैरवी कर सकते हैं कि भैया तुम्हारे पास खाने को नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दरअसल बात मुझे जो लगती है वो ये लगती है कि फ़िलिस्तीन के साथ पाकिस्तान की सहानुभूति और कुछ नहीं, बल्कि एक बार फिर से अपने आप को दुनिया के वैश्विक मंच पर दिखाने की कि भैया हम भी मौजूद हैं। नहीं तो इनके बारे में कोई ज़्यादा बात करता नहीं, क्योंकि पता है ये मुल्क एक ऐसा है कि जब भी इससे बात करेंगे साला जाते जाते भीख ज़रूर मांगेगा, तो इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा कोई बात करता नहीं। लेकिन वही होता है ना कि जब भी मौका मिलता है भौंकने का अवसर छोड़ते नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी। इन्होंने दरअसल अभी कुछ समय पहले भी क्या, कल की ही बात है, 20 तारीख को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया किसको, CNN को। और CNN वाली ने, जब मैडम थी जो इंटरव्यू इनका ले रही थी, उन्होंने इनसे पूछा कि भाई यहूदी फिलिस्तीन जो लड़ाई चल रही है, आप इसके ऊपर कुछ बोलिए। तो महाशय ने कहा कि भाई, मतलब इनके पास पहली बात तो कोई सबूत मौजूद नहीं है, बेबुनियाद बातें करते हैं वैसी, जैसे भारत के बारे में बकवास करते रहते हैं सेम वैसी। तो ये बोलने लगे कि इसराइल तो है जो मीडिया का वॉर है वो हार रहा है, जबकि उसकी पॉकेट्स बहुत डीप है, मतलब बहुत पैसे वाला है, पैसा खिला के मैनिपुलेट करता है मीडिया को, उसके बाद भी मीडिया वॉर हार रहा है। इसके ऊपर की एंकर ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि ये जो आप बात कह रहे हैं, ये एंटी ज्यूज़ बात आप कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जब बोला कि भाई आप उइगर मुसलमान जो हैं चाइना के, उनके बारे में कोई क्यों नहीं बोलते, तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया ये चाइना का मामला है, उसके बारे में मैं ऐसे खुले में नहीं बात कर सकता, जब बंधे रहते हैं तब बात करते हैं उसके बारे में, वैसे तो ये कभी बात करते नहीं हैं। तो इनका जो ये वीडियो है, ये अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक बार आप लोग भी देखें, मज़े लें ज़रा, तो आपको भी समझ में आएगा इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है ये वीडियो। इज़राइल इज लूजिंग आउट, दे आर लूजिंग द मीडिया वॉर डिस्पाइट देयर कनेक्शंस, दे आर लूजिंग द मीडिया वॉर, द टाइड इज टर्निंग। व्हाट आर देयर कनेक्शंस? डीप पॉकेट्स। व्हाट डज दैट मीन? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. अब इस वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अपनी खुद की बेइज्जती अपने हाथ से कराते हुए दिख रहे हैं। अब बात यह है कि देखिए, कल युद्ध विराम हो गया इन दोनों के बीच में, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में। तब से ही एक बात, अब जो एक नए, जैसा पाकिस्तान हमेशा से करते आया कि जब भी लड़ाई हारता यही कहता है कि हम जीत गए। कारगिल को भी वो तो अपनी हार नहीं मानता, जबकि परवेज़ मुशर्रफ को उसके बाद कई रातों तक नींद नहीं आई थी। तो जिस तरीके से ये लड़ाइयाँ इन्होंने हारी हैं, लेकिन नैरेटिव बताते हैं कि हम जीते हैं, सेम वैसे अभी फ़िलिस्तीन के साथ कर रहे हैं, और सेम यही चीज़ गाज़ा वाले भी कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नाच रहे हैं कि हम जीत गए। अरे भाई, बिजली पानी तक की व्यवस्था जो है तुम्हारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है, तुम किस बात की खुशी मना रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, जिसको जिस चीज़ में खुशी मिले उसको वही चीज़ करनी चाहिए। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।